इसराइल हमास युद्ध के बीच उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर हिजबुल्ला के भीषण हमलों से अब हालात काबू से बाहर हो चले हैं। जी हाँ, इस पूरे इलाके में मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों की वजह से त्राही त्राही मची हुई है। हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और हिजबुल्ला के इन हमलों को रोक न पाना IDF का सबसे बड़ा फेलियर माना जा रहा है। हालांकि इसके पीछे दो वजह है। पहली तो ये कि इसराइल इस युद्ध को गाजा से बाहर नहीं जाने देना चाहता। दूसरा ये कि गाजा में IDF को लड़ते लड़ते तकरीबन 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे वक्त में इजरायली सैनिक युद्ध की वजह से काफी थक चुके हैं, और उत्तरी मोर्चे पर हिजबुल्ला को अपने पांव पसारना इसकी सबसे बड़ी वजह है। दरअसल गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्ला ने इसराइल का अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया। हिजबुल्ला ने अब इस हमले में 150 से ज्यादा रॉकेट और 30 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन 15 इजरायली चौकियों पर दागे हैं, और हिजबुल्ला के इस हमले की वजह से इसराइल और लेबनान के बीच सीधे युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल हाल ही में IDF ने एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर तालेब अब्दुल्ला को मार गिराया था, और तब से ही हिजबुल्ला बदले की आग में बौखलाया हुआ है। और हालिया हमले को लेकर भी हिजबुल्ला का कहना है कि उसने ये हमले अब्दुल्ला का बदला लेने के लिए किए हैं। दरअसल अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हिजबुल्ला के साथ इतने हमले करके इजरायली सेना को और आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, ताकि वो हिजबुल्ला पर हावी ना हो सके। यही वजह है कि हिजबुल्ला ने कब्जे वाले गोलन हाइट्स को मिलकर कई सैन्य चौकियों पर हमले किए हैं। वहीं इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि इन अटैक्स में कम से कम 2 लोग घायल हुए हैं, जबकि 15 जगहों पर आग लग गई है। वहीं इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा कि उसने कई हमलों को इंटरसेप्ट कर नाकाम कर दिया, जबकि कुछ हमलों की वजह से आग लगने की घटनाएं हुई हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने इन हमलों के कुछ वीडियो भी जारी किए हैं। इनमें से एक वीडियो में हिजबुल्ला ने IDF के वाहन को निशाना बनाया है। वीडियो में दिख रहा है कि हिजबुल्ला का एक लड़ाका लॉन्चर से एंटी टैंक मिसाइल फिट करके उसे फायर कर रहा है, और ये मिसाइल IDF की एक गाड़ी पर जा लगती है। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसके इस हमले में IDF के कई सैनिक घायल हुए हैं या फिर उनकी मौत हुई है। ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में हिजबुल्ला ने IDF की सैन्य वाहन बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि घनी हरियाली के बीच एक सफेद रंग की बिल्डिंग पर रॉकेट बरस रहे हैं। इसके बाद तीसरे वीडियो में हिजबुल्ला के लड़ाके हैवी मशीन गन से IDF पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। एक लड़ाका हैवी मशीन गन वाली गाड़ी को हरियाली के बीच तैनात कर रहा है। इसके बाद वो उसमें विस्फोटक लगाकर ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग शुरू कर देता है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला का दावा है कि उसके इन हमलों में IDF को भारी नुकसान हुआ है।